बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। और आज है डेट 26 दिसंबर 2023 और मैं निकल गया हूँ हैदराबाद से। सुबह निकला था 5:30 बजे और मैं जा रहा हूँ श्री शैलम पर्वत यानी कि मल्लिकार्जुन की तरफ, जो कि मेरा आई थिंक शायद 10वां ज्योतिर्लिंग होगा। और इसी के साथ इस सफ़र को आप देखिए क्या कोहरा पड़ रहा है, मतलब ख़तरनाक वाला कोहरा। ऐसा कोहरा मैंने कभी नहीं देखा, मतलब हैदराबाद जब मैं निकला था जबलपुर से तब भी नहीं देखा था ऐसा कोहरा। और ये कोहरे में विजिबिलिटी हार्डली 10-20 मीटर्स है, मतलब जितने भी व्हीकल्स मैंने देखे वो सब इंडिकेटर चला के लाइट जला के चल रहे थे और मैं भी बहुत स्लो स्लो। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल रही है तो कोहरा छट रहा है, लेकिन कभी कभी इतना ख़तरनाक कोहरा आता है कि दिखना भी बंद हो जाता है। बट हमने बहुत सूझबूझ से इसका काम किया हुआ है। मेरे वाइजर पे कोहरे की जो परत है वो इतनी ज़्यादा डेंस हो जाती है कि वो पानी के रूप में बूंदें उसकी मेरे हेलमेट के अंदर भी चली जाती हैं। कई बार मुझे हेलमेट खोल के चलाता हूँ तो चश्मे पे फिर फॉग जमता है, फिर फॉग चश्मा उतारना पड़ता है, तो उसके बाद फिर वो जो बूंदें हैं वो सीधे मेरे आँख में लगती हैं तो आँखें ठंडी हो जाती हैं, फिर रुकना पड़ता है। और इस तरीके से हम स्लोली स्लोली चल रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन राइड अल्टीमेट हो रही है। अभी सुबह के शायद 7:30 बज रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, और धीरे 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 हम चल रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है सेफ पहुँचना। जल्दी पहुँचना लक्ष्य नहीं है, वो तो अपन पहुँच ही जाएंगे क्योंकि सफ़र ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से 220 किलोमीटर के आसपास ही है यहाँ से, तो आई थिंक 4 से 5 घंटे लगना चाहिए, लेकिन मैं पहुँच जाऊँगा तो बड़ा अच्छा है। आप कोहरा देखो, लेकिन यार ये साइड में मेरे कोहरा देख रहे हो आप, ये गजब का कोहरा है यार। धुंध कैमरा तो क्या है ना, बहुत दूर तक अच्छे से फोकस कर लेता है, सामने सूरज दिख रहा है बहुत हल्का सा छलकता हुआ। ये है कोहरे की खूबसूरती, हम तो इसको भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड। और मैं आ गया हूँ अमराबद्ध टाइगर रिजर्व में। भाई साहब अभी बज रहा है 9 और इतना टाइम लग गया मुझे आने में। रीज़न बहुत ज़्यादा फॉग, मतलब फॉग ही है बस। अभी पहाड़ के ऊपर आ गए हैं तो थोड़ा सा फॉग कम हो गया है। नीचे तो मतलब ऐसा था कि स्पीड मेरी ऑलमोस्ट 40-50, विजिबिलिटी थी 10-20 मीटर्स के आसपास। बस किसी तरह के ठंड से बच के हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। नीचे बहुत कोहरा था ऊपर, लेकिन मौसम साफ़ है। अभी यहाँ से श्री साई सेलम मेरे को लग रहा है कि बचा हुआ है कुछ 70 किलोमीटर के आसपास। एक मैंने ब्रेक लेना है कुछ नाश्ते का, कुछ खाने पीने का, तो अभी आगे रुकेंगे तब देखेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून है और मैं तकरीबन 12 बजे यहाँ पर पहुँच गया था। 12 बजे नहीं, 11 बजे मैं यहाँ पे आ गया था। उसके बाद मैं सिर्फ आया, तुरंत मैंने डॉर्मेट्री मेरे पीछे ही है, उस डॉर्मेट्री में ऑलरेडी मेरा बुक था yatradham.com से, और अच्छा डॉर्मेट्री है, लॉकर भी अवेलेबल है उनके पास। गाड़ी मेरी नीचे यहाँ पर पार्क के पीछे की तरफ ओपन ही रहेगी। तो बेसिकली अभी चाय पी रहे हैं और मंदिर मैं आया, फिर नहाया, उसके बाद सीधे गया मंदिर में जाके मैं दर्शन किए। करीबन 1.5 घंटा मुझे लगा, वहाँ से लौट के आया, पीछे खाना खाया और उसके बाद अभी बैठ के बस अभी मतलब मैं सो गया था। उसके बाद आके 2 बजे आया और मैं पूरा फ्लैट होकर सो गया, अच्छे से सोया हूँ 2 घंटे करीबन। और अभी मैं उठ के सीधे आ गया चाय पीने के लिए। अभी चाय पीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कि मंदिर कहाँ पर है, कैसे जाते हैं, क्या सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा। मैं थोड़ा सा सो लूँ पहले, मूड अच्छा हो जाए,
पूरा जब नजर से नजर रिलैक्स हो जाए ना, आज रिलैक्सिंग डे है, कल बहुत गाड़ी चलाई, आज रिलैक्सिंग डे है, कल फिर चलाना है, परसों रिलैक्सिंग डे, तो थोड़ा मज़ा आ रहा है ट्रिप में। ट्रिप में मज़ा आना चाहिए, लोगों को देखने वालों को मज़ा आना चाहिए, तो इसीलिए अभी चाय पी के आपसे मिलता हूँ वापस और बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे दर्शन करने गया, क्या क्या ज़रूरत हो सकती है आपको, कैसे आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। तो इधर से आते हैं और इधर को चले जाते हैं, ये मेन रास्ता है मंदिर में जाने का, और सामने 300-500 वाली लाइन भी लगती है शीघ्र दर्शनम अति शीघ्र दर्शनम। और यहाँ पर शीघ्र और अति शीघ्र का फंडा ये है कि आप ऑनलाइन अगर बुक कर लो टिकट तो शीघ्र के शायद 150 रुपये लगते हैं, अति शीघ्र के 300-500 रुपये लगते हैं, और काफ़ी मतलब जल्दी पहुँच जाते हो। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप वो सब टिकट बुक करके और बिना लाइन की हैसल के उसको जाके दर्शन कर सकते हो, वो अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। मैं 150 वाली में था तो उसके साथ ही फिर मैंने सब कर लिया था। प्रॉब्लम एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इन लोगों को हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता और अपने को तेलुगू नहीं आती, तो बड़ी समस्या होती है बस कैसे भी करके। अभी मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मैं मंदिर का फ़ोटो ले सकूँ, बस मेरे को मंदिर का फ़ोटो लेने का है, तो मैं वो पॉइंट की रिसर्च चल रही है अभी। तो अब क्योंकि मैं दिन में इसलिए सो लिया था, मुझे मालूम था रात में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी वॉक करते 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 जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे वो पॉइंट, फिर फ़ोटो क्लिक करेंगे, तब तो मज़ा आएगा, कुछ तो मिलेगा थंबनेल के लिए। बाकी यहाँ पर क्लॉक रूम अवेलेबल है इनसाइड द कैंपस ऑल्सो, तो आप अपने शूज़ वगैरह वहाँ रख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मोबाइल जो है वो 10 रुपये लेकर जमा हो जाते हैं, तो वो अच्छा है, मतलब तुम्हारा ध्यान ना भटके ना, तुम जिस काम के लिए आए कम से कम वो काम तो ध्यान से कर लो, एक काम तो अच्छे से कर लो ज़िंदगी में। लोग आते हैं मोबाइल पर लगे रहते हैं, जैसे कि हमने देखा था ओमकारेश्वर वगैरह में, मतलब लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चली है, वो सब बंद कर देना चाहिए सभी टेम्पल्स पर ना, मुझे लगता है ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको मोबाइल की वैसे तो। बाकी तो ठीक है, ट्रेडिशनल अटायर जो है उसमें भी जा सकते हो, लोग मैंने देखा जींस में भी गए थे, बट आई बिलीव कि मैं ट्रेडिशनल में ही जाऊँ तो मैं उसी में गया था। अभी स्पॉट ढूंढ रहे हैं और शायद मुझे स्पॉट मिल गया है मंदिर का फ़ोटो खींचने का, तो देखते हैं क्या मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं इधर से चल के आया था और ये है सामने मंदिर का व्यू, ये एक गोपुरम है, एक गेट है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मंदिर जो है वो क्लोजली वो पीछे की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस, ये दीदी जो बैठी हुई हैं इनके जस्ट पीछे ही आ रहा है वो मंदिर, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मस्त। और ये इसका विशाल गोपुरम है, ये देखिए मंदिर के चारों गोपुरम दिखाई दे रहे हैं, ये पहला है, वो दूसरा, ये तीसरा और चौथा, चारों गेट। और अगर आप थोड़ा ज़ूम करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा ज़ूम करते देता हूँ इसको, तो यहाँ पर आपको सेंटर में जो है मंदिर भी दिखाई दे जाएगा, ये इस जगह पर है मंदिर, ये है छोटी सी डॉर्मेट्री, यहाँ पर सिंगल पर्सन को अलाउड नहीं है। तो ये था डॉर्मेट्री का एंट्रेंस, और यहाँ पर सिंगल जो होते हैं मेल्स उनको नहीं देते हैं, रीज़न आई डोंट नो, एक आदमी ने बोला कि शायद सुसाइड केसेस ज़्यादा थे इस चक्कर में, भाई आदमी को मरना होगा तो कहीं मर सकता है, उसमें सिंगल की दिक्कत क्या है। अभी बेसिकली यहाँ से अपन रात के कुछ 7-7.5-8 बज रहे हैं और अब जा रहे हैं सोने के लिए, फिर यहाँ से कल सुबह निकलना है रामेश्वरम के लिए, रामेश्वरम यहाँ से जो कि 1000 किलोमीटर किससे ऊपर है, तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन 2 डेज, और कल मैं स्टॉप ले लूँगा यहाँ तक है, बाकी तो जैसा होगा रोड्स उसके हिसाब से अपन प्लान कर लेंगे, सोलो राइड में ये सब थोड़ी खास बात होती है, और बाकी तो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मज़ा आ गया। आज का पूरा दिन एकदम आराम से गुजरा, 11 बजे एंटर किए, दिन भर आराम भी कर लिया, मंदिर में दर्शन भी अच्छे से हो गए, सब कुछ बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। अभी जाके थोड़ी बहुत पैकिंग करेंगे और थोड़ा सा स्नीक पीक दे दूंगा मैं आपको डॉर्मेट्री के अंदर का, और क्योंकि दूसरों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है इसीलिए। तो बाकी बातें बस यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नई राइड पर, एक नए रोमांच के सफ़र पर। जय मल्लिकार्जुन।